भेड़िया मूवी की बात करने वाला हूँ कि उसने अपने एडवांस बुकिंग में कितना कलेक्शन कर लिया है, ये तो देखने वाली बात होगी क्योंकि आज 23 तारीख हो गई है, 24 कल का दिन बचा हुआ उसके बाद यानी फाइनल डेज कल है उसका, यानी देखेंगे मतलब फाइनल डेज में सबसे ज़्यादा एडवांस बुकिंग होती है। सबसे पहले हमने दृश्य 2 को देखा था कि उसने 16 तारीख को केवल 2 करोड़ प्लस कलेक्शन किया था, लेकिन 17 तारीख को उसने 4 या 5 करोड़ प्लस जा चुकी थी। मतलब एक दिन में 4 या 5 करोड़ यार काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये भी देखने वाली बात होगी क्या भेड़िया भी ऐसा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और ये भी माइंड में होगा क्या भेड़िया एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड जो दृश्य टू ने बनाया है उसको तोड़ेगी या नहीं तोड़ पाएगी, ये तो आने वाला कल मतलब कल सिर्फ कल का दिन ही बना यानी टुमारो बता देगा। तो बात करूं अभी तक उसने एडवांस बुकिंग की तो लगभग पूरा मैं सिर्फ ऑल इंडिया की बात करूँ लगभग उसने 41 लाख के आसपास वो मूवी एडवांस बुकिंग कलेक्शन कर चुके हैं, जिसमें से तेलुगु की यार स्टार्ट हो गया, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि तेलुगु जो मतलब ऑडियंस है वो भी काफ़ी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रही है। जी हमें तेलुगु अगर 3D की बात करूँ 3D में लगभग 60 हज़ार के आसपास मूवी कलेक्शन किया, बात करूँ 2D की तो 2D में लगभग 80 हज़ार के आसपास मतलब कलेक्शन कर लिया इसने, जी हाँ 80 हज़ार। बात करूँ मैं पूरा टोटल मैंने बताया आपको 41 लाख के आसपास कलेक्शन कर लिया, उसमें सबसे ज़्यादा इसने मुंबई में कलेक्शन किया 5 लाख, भाई नेक्स्ट उसने दिल्ली NCR में लगभग उसने 4.5 लाख के मूवी में आसपास कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। तो देखा जाए तो मतलब इसके शोज़ भी अब पहले मैंने देखा था मतलब 2021 में एक बार 100-150 के बाद शोज थे, बट अभी उसके बाद मैं देखा दिल्ली और NCR में लगभग 270 प्लस मतलब इसके शोज़ आ चुके हैं। तो देखा जाए तो मतलब डे बाई डे शोज तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, अब आने वाला समय पता गया इसको मतलब टोटल स्क्रीन कितनी मिलेगी, मेरे ख्याल से इसको 3000 पर टोटल स्क्रीन मिलेगी ही मिलेगी इंडिया में जिस तरह मूवी है। बाकी देखा जाए इसमें आपको मतलब एक तो मतलब क्लियरिटी है कि इसमें आपको जो स्क्रीन प्ले है काफ़ी मतलब फास्ट देखने को मिलेगा, बाकी देखा जाए तो मतलब आज के ऑडियंस या आज की इंडियन ऑडियंस की बात करें या बॉलीवुड की मतलब उनका यही चक्कर रहता है कि यार मतलब उनकी जो स्टोरी होती है मतलब दम नहीं रहता, उस स्क्रीन से काफ़ी स्लो होती है और मतलब हिंदी सॉन्ग मतलब ऐड कर लेते हैं बीच में, मतलब काफ़ी मतलब यार क्या वो विक्रम वेदा मूवी आई थी उसमें यार मतलब ऐड से हिंदी ऐड किए थे, मतलब स्टोरी वहाँ की वहाँ ही रुक जाती है और तब तक सॉन्ग खत्म नहीं हो जानी 5 मिनट में, मतलब तब सॉन्ग चल रहा होता है मतलब स्टोरी रुकी हुई होती है, जब मतलब सॉन्ग मतलब खत्म होता है तब मतलब उसकी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है उससे आगे क्या होना है। तो ऐसे मतलब मेरे इस मतलब जो भेड़िया मतलब जो ट्रेलर दिखा उसमें तो ऐसा लगता नहीं है यार, इसमें तो काफ़ी स्क्रीन मतलब फास्ट रहने वाला, बट फिर आने वाला समय बताएगा भाई देखें मतलब कॉमेडी इसमें कैसी है मतलब रहने वाली है, मतलब वरुण धवन की वो भी मतलब देखेंगे। तो बाकी मैंने बता दिया कि एडवांस बुकिंग ने लगभग 41 लाख के आप कलेक्शन कर लिया और इसका कल फाइनल डेज रहने वाला है मतलब एडवांस बुकिंग यानी कल 24 तारीख है, 25 नवंबर को इसको सिनेमा में रिलीज कर दिया जाएगा। तो बाकी दूसरा उसकी टक्कर देगी दृश्यम 2, वो भी मतलब बॉक्स ऑफिस जिस तरह कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है, मतलब दोनों के बीच में टक्कर भी चलेगी और मेरी मतलब मेरी सुनो तो मतलब थिएटर्स मतलब बिल्कुल भी ऐसा ध्यान मत दो, थिएटर्स मतलब खींचेंगे आप एक दूसरे, बट वरुण धवन को मतलब अजय देवगन का हाथ पकड़ना चाहिए यार, अभी तक आपने 18 से लेकर 24 तक आपने मतलब बॉक्स ऑफिस में जो ऑडियंस है उनको मतलब पकड़ के रखा हुआ और 25 से लेकर आगे मैं पकड़ के रखूंगा जब न्यू मूवी कोई रिलीज ना होगी। तो बाकी यही थी आज की वीडियो, बाकी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें हमारे, क्योंकि हमारे चैनल में आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।